ये है 1 किलो गोश्त, 2 किलो पालक, 3 प्याज और थोड़ा सा लहसुन। अब एक प्रेशर कुकर में गोश्त, प्याज, लहसुन डालेंगे। फिर इसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून हल्दी डालेंगे। और अब इसमें 1 लीटर पानी डालकर 30 मिनट के लिए वेट लगाएंगे। हमने पालक को उबाल लिया है। और थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे। अब 30 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि ये सब अच्छी तरह गल चुका है। अब इसको हमने एक कढ़ाई में निकाल लिया है। अब इसमें 1 प्याली घी या ऑयल डालेंगे और इसको अच्छी तरह चम्मच की मदद से भूनेंगे। अब भुने हुए गोश्त में 2 बड़ी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और ग्राइंड की हुई पालक डालेंगे। चम्मच की मदद से हिलाते जाएंगे। अब हम इसमें 1/2 प्याली दूध डालेंगे। दूध डालने से जो पालक की कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड करेंगे और चम्मच से हिलाते जाएंगे। इस तरह ये माशाल्लाह हमारी पनीर क्रीमी पालक तैयार हो रही है। क्रीम डालने से ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है। अब इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे ताकि इसका घी ऊपर आ जाए। 5 मिनट बाद हमने इसको डिश आउट कर लिया है और ये देखें हमारी माशाल्लाह पनीर क्रीमी पालक तैयार है। इसको आप रोटियों या नान के साथ सर्व करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।